किसान की खुशी देश की खुशी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने किसानों के अच्छे दिन ला दिए हैं। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का महाअभियान आज से शुरू हो रहा है। राज्य सरकार ने धान खरीदी की तैयारी कर ली है। किसान हितैषी कांग्रेस सरकार की वजह से छत्तीसगढ़ के किसानों में उत्साह है और चेहरों पर खुशी है। फसल लगाने के लिए पैसों का जुगाड़, फिर खेत की तैयारी और उसके बाद जी तोड़ मेहनत, फिर खेतों में लहलहाती फसल की खुशी। इन सब के बाद आज किसानों के लिए वह दिन आ गया है जब उनकी तैयार फसल के बूते उन्हें मेहनत की कमाई मिलेगी। छत्तीसगढ़ के किसान अपने जिलों में स्थापित समितियों के धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। किसानों को तकलीफ से बचाने के लिए इस बार 2305 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस सरकार ने 90 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा है। राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 17 नवंबर तक 21,48,630 किसानों का पंजीयन किया गया है। इनमें वे किसान भी शामिल है जिन्होंने पिछले साल पंजीयन कराया था। इनके अलावा नए किसानों का भी पंजीयन किया गया है। धान खरीदी केंद्रों में इस बार धान को भीगने से बचाने के लिए चबूतरे बनाए गए हैं। किसानों को 5 बार टोकन दिए जाएंगे। टोकन 1 सप्ताह के लिए वैध रहेगा। इस सप्ताह के भीतर भी यदि किसान धान नहीं बेच पाया तो उसे फिर से टोकन दिया जाएगा। किसान की खुशहाली के लिए कांग्रेस सदैव तत्पर है। जय हिंद।